सैयद है और यू आर वर्ल्ड प्रोडक्शन मेरा है और मैं काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ हूँ, 20-30 साल से, और काफ़ी टाइम स्ट्रगल किया हूँ। तो आज जाके मैं मेरा खुद का वीडियो करने जा रहा हूँ, हिंदी म्यूजिक वीडियो। तो किस तरह से इसकी शूटिंग होगी, कहाँ कहाँ शूटिंग होगी और इसका म्यूजिक कौन ले रहा है, क्या उसके बारे में बताएं? इसका तो कैसा है कि अभी आज हम रिहर्सल कर रहे हैं म्यूजिक वीडियो का और सोच रहे हैं मुंबई और मुंबई के बाहर इसका शूट होगा। और गाने में जो हीरो हीरोइन है उन लोगों को कैसे कास्ट किया और क्या कुछ? और इन्होंने मेरे साथ काम किया है, ये मुस्कान है, मुस्कान सैनी, और ये रिजाज खान है, हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं ये दोनों, हमारे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे कलाकार है, बहुत अच्छे डांसर्स हैं। तो एल्बम की बात करें तो इसका किसने लिरिक्स दिया है, किसने लिखा है? इसके लिरिक्स लिखा है जुगल किशोर करके हैं, जुगल किशोर करके म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कंपोजर वो हैं, और डायरेक्टर मैं कर रहा हूँ इसका, प्रोडक्शन एंड डायरेक्टर मैं इसका। कितने गाने आप शूट करने जा रहे हैं? गाने तो रिकॉर्डिंग 4 कर चुका हूँ और शायद हम लोग इसके गाने 2 करेंगे। कब तक ये रिलीज हो जाएंगे? रिलीज का तो हम सोच रहे जितना जल्दी हो सके करेंगे, इस महीने हम इसकी शूट करेंगे और हो सके तो 1 महीने के अंदर अंदर ट्राई करेंगे रिलीज हो जाए। शूटिंग कहाँ करोगे? मुंबई और मुंबई के बाहर सोच रहे हैं, जैसे विरार हो गया, लोनावाला हो गया, ऐसा आसपास सोच रहे हैं। प्लानिंग लोकेशन हमने देखे हैं अलग अलग सभी के, और कुछ होटल्स देखे हैं हमने अलग अलग, सब अलग अलग लोकेशन देखे हैं काफ़ी। बात करें आपके प्रोजेक्ट की, इससे पहले आपने क्या क्या किया उसके बारे में बताएं? इसके पहले आपको बताना हो कि इसके पहले हम एक टेक्नीशियन था मैं, तो जो है बाद में बताऊँ जो भी था। 20 साल से इससे जुड़ा हूँ, प्रोडक्शन काफ़ी काम किया हूँ प्रोडक्शन में मैंने, और मेरा नया प्रोडक्शन है, ज़्यादा तो नहीं है, मेरे 2 सॉन्ग किया हूँ मैंने अभी अभी म्यूजिक वीडियो इसके पहले, और वो रिलीज़ होने बाकी है। तो कैसा इन लोगों का परफॉर्मेंस रहा, इन लोगों के बारे में? इन लोगों का अभी तो आज रिहर्सल हुई है और इन लोगों ने अच्छे परफॉर्मेंस दिए, जब जो भी मैंने इन लोगों के काम देखा हूँ आज तक के, तो अच्छे ही परफॉर्मेंस किए। मुस्कान भी बहुत अच्छी कलाकार है, बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा है, और एजाज ने भी काफ़ी काम किया अच्छा, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह किया है इसने, फेस्टिवल की कुछ मूवी की है और म्यूजिक वीडियो भी शायद कर रहे हैं। जी मुस्कान जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ये प्रैक्टिस का और क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, अच्छा लगा इन लोग के साथ काम करके, और मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। इससे पहले आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किया? इससे पहले मैंने शॉर्ट मूवी की है, वेब सीरीज किया है, डेली सोप किया है, ऐड किया है, और सर के साथ जुड़ी हुई हूँ। ये आपका पहला म्यूजिक एल्बम है? नहीं, तीसरा म्यूजिक एल्बम है। तो डायरेक्टर सर के साथ में क्या कुछ सीखने को मिला, कैसा एक्सपीरियंस था? हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये बहुत ज़्यादा पंचुअल है हर चीज़ को लेके, स्ट्रिक्ट हैं लोगों को, मतलब उनकी बिहेवियर बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छे से करते हैं। क्या कुछ सीखने को मिला इनसे? इनसे सीखने को ये मिला कि जैसे हम अपने काम को लेके, सबसे पहले चीज़ की टाइम के बहुत पंचुअल है, तो ये चीज़ की अगर हमें कुछ करना है, कुछ बनना है, तो टाइम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। एजाज जी, क्या बताना चाहेंगे आज प्रैक्टिस चल रही आपके गाने की और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर के साथ मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा, मेरे 2-3 एल्बम सॉन्ग आ चुके हैं, ये 4th मेरा एल्बम जो मुश्ताक सर के साथ है, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। और इससे पहले आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किया? इससे पहले मेरे 2 एल्बम सॉन्ग आ चुके हैं। क्या कुछ खास तैयारियां चल रही हैं, जिस गाने को लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? सर के साथ तो मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। और ये हमारे गौरव भट्टाचार्य एक्टर हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आपके गाने की रिहर्सल चल रही है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और सबसे अच्छी बात कि सॉन्ग रोमांटिक है और बहुत ही अच्छा है, उसका म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, और मेरा मुस्ताक जी के साथ ये फर्स्ट एल्बम है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और लगता है कि आगे भी हम कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। इससे पहले आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए? इससे पहले मैंने DD नेशनल के सीरियल किए हुए 4, गुड मॉर्निंग MP, सितारों की खोज, युवा कौशल, तेजस्वी, क्राइम पेट्रोल और कैटलॉग शो, और काफ़ी म्यूज़िक एल्बम भी किए हुए हैं, वेब सीरीज, शॉर्ट मूवीज़। सर के साथ पहला एल्बम कर रहे हैं जी, मेरा फर्स्ट।
फर्स्ट एल्बम है मुस्ताक जी के साथ और काफी अच्छा नेचर है इनका। और आपके जो हीरो बैठे हुए हैं उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहूँगी, कितना सपोर्ट मिला आपको? काफी अच्छा सपोर्ट है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं और देन हार्ड वर्क भी कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम गौरव है। मैं बोलना चाहूँगा मुस्ताक सर के साथ तो मैंने काम किया हुआ है, एज ऑफ टेक्नीशियन मैंने काम किया हुआ है, मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने किया सर ने एज ऑफ टेक्नीशियन के मतलब तौर पे सर के साथ मैं जुड़ा हूँ, मैंने पहली बार सर के साथ में सर का प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। और हालांकि जो बाकी प्रोजेक्ट की बातें रहा, मैंने कुछ फीचर फिल्म में काम किया है, शॉर्ट फिल्म वेब सीरीज, एक वेब सीरीज चल रही है इसमें सर भी हैं, तो उनके साथ मैं इसके पहले भी काम चल रहा है मैंने उनके साथ, और साथ में बस म्यूजिक एल्बम मैंने पहले भी किया हुआ इसके पहले, और ये भी सर के साथ पहला काम है। टेक्नीशियन से और एक्टिंग फील्ड में आने का क्या खास एक्सपीरियंस था? मतलब मैं तो एक्टर हूँ, लेकिन सर जितने पंक्चुअल और जितने डिसिप्लिन टेक्नीशियन लाइन में उतने खास ये लाइन में भी हैं। सर अपनी हर चीज़ यहाँ पे बाखूबी से निभाते हैं, जैसे कोई भी चीज़ अगर नहीं मिलता है तो वहाँ पे हम लोग वो चीज़ को मतलब कुछ ही सहूलियत में हम लोग वो चीज़ कर लेते हैं। यहाँ पर भी सर वही चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई चीज़ पर हारना नहीं चाहिए, कि ये चीज़ नहीं है, सर उसका ऑल्टरनेट लेके वो चीज़ मतलब चीज़ें चलनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए कुछ भी, जिस शो मस्ट गो ऑन, तो वो चीज़ें यहाँ पर भी सर लागू कर रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कितना एक्साइटेड है इस गाने को लेकर और क्या कुछ तैयारी चल रही है? मैं देखिए एक्चुअली हम लोग एक्टर लोग हैं, हम लोग का तो कोई भी प्रोजेक्ट जब मिलता है तो यही लगता है कि नया प्रोजेक्ट ही है, एक नई शुरुआत ही होती है, तो एक्साइटेड तो काफ़ी सारे हैं, जितना एक्साइटेड हम हैं उससे डबल एक्साइटेड सर है, तो वो यही एक उत्सुकता एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं सभी के, सभी जितने भी एक्टर हैं हम लोग को एक्टर सभी यहाँ पे एक्साइटेड है, सभी के सभी से एक पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, तो ये देख के तो लग रहा है कुछ अच्छा ही निकलेगा। सर के साथ इसके अलावा और भी कुछ काम करना चाहेंगे आप? जरूर करना चाहूँगा सर के साथ, मैं हमेशा था हूँ और रहूँगा सर, जो भी काम करेंगे हम हमेशा खड़े हैं सर के साथ। अपने फैंस को ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे? मुझे अच्छा हाँ फैंस को ये बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने अपना हम लोग का जो बाकी जो काम है जैसे उसको सराहा आपने, जैसे उसको सपोर्ट किया है, तो ये चीज़ को भी सपोर्ट करिए आप, सिर्फ हम ही नहीं बाकी आने वाले जो भी एस्पायरिंग एक्टर हैं उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अब आप भी आ सकते हैं और सर के साथ जुड़ सकते हैं, जिनके में जिनमें टैलेंट है, जिनमें करने का कुछ जज्बा है, उनके लिए सर हमेशा खड़े हैं, तो ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना भी चाहिए सब लोगों को, तो अच्छी बात है ये अपने अपने हुनर दिखाने का, ये अच्छा मौका अच्छा जरिया है। सर आपसे पूछना चाहेंगे कैसे अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े? तो इसके पहले भी मैंने कुछ फिल्में बनाई हैं, आज से 8-10 साल पहले बना चुका हूँ, मैं 2 फिल्में बना चुका था जो कि लोगों को पता नहीं, जो भोजपुरी का जब क्रेज़ आया था स्टार्टिंग में, उस टाइम मैंने शमशान करके 2 मूवी करी है, एक लैला करके करी है, जो कि लोगों को पता नहीं है। इसके बाद में मैंने काफ़ी वीडियोस की भोजपुरी वगैरह छोटे छोटे, मैं YouTube वगैरह में इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, YouTube तो बहुत ज़्यादा हो गया है लोगों के लिए आजकल, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ कुछ YouTube से अलग हो ये चीज़। ऑडियंस को कब तक ये गाने देखने को मिलेंगे? हम कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके, कोशिश कर रहे हैं 1 महीने के अंदर अंदर कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके, और जितना हो सके हम तो चाहते हैं जितने अच्छे कलाकार हमारे से जुड़े और अच्छा है हमारे लिए, जिनको ज़रूरत है आज सही कला की ज़रूरत है। तो ऑडियंस से क्या बोलना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि हमारा वीडियो आएगा, आप इनको पसंद करिए, सबसे अलग वीडियो होगा ये, और सब देखने जैसे हैं वीडियो, हम ये चाहेंगे सब पसंद करें, सब लाइक करें इसको। थैंक यू। मेरा यूआर वर्ल्ड प्रोडक्शन है और मैं इसमें 4 रिकॉर्डिंग गाने कर चुका हूँ, और हमारे म्यूजिक और कंपोजर जुगल किशोर ने किए हैं, और इसको जितना जल्दी हो सके शूटिंग करने वाला इस महीने, और हमारी ये कलाकार हैं रूपाली और मुस्कान, बहुत अच्छे कलाकार हैं दोनों, और मैं चाहूँगा कि पब्लिक इसको पसंद करें ये सॉन्ग को, और जल्द से जल्द इसकी रिलीज़ करने का कोशिश करूँगा मैं, और अच्छे ऑडियो कंपनी में। ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे? ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगा कि आप रिलीज़ होने के बाद इस गाने को अच्छे से लाइक करें, और इतना हिम्मत दें कि और आगे बना सकूँ मैं कुछ फिल्म और वीडियो, आगे करियर में मेरा फिल्म भी बनाने का सोच रहा हूँ, अगर अच्छा ये वीडियो चल गया तो। थैंक यू।